आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डील करेंगे कंसिलिएशन से। कंसिलिएशन, अपने अब तक के वीडियोस में हमने आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉरेन अवार्ड, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात किया है। आज से हम कंसिलिएशन को शुरू करेंगे। तो पार्ट थ्री बेसिकली डील करता है कंसिलिएशन से, और जो सेक्शंस हैं जो कंसिलिएशन में आते हैं वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 61 से लेकर के 81 तक। तो क्या हमें इन सभी सेक्शंस को पढ़ना है? नॉट एट ऑल। हमें कुछ सेक्शंस को ही पढ़ना है जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को देखूं, तो एक सेक्शन 61, दूसरा 62, 63, 64, 67 और एक है आपका 69 और 76। यानी अगर आप कंसिलिएशन में इन सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इन्हीं सेक्शन से आएंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लूँ, कंसिलिएशन में आपको सेक्शन 61, 62, 63, 64, 67 और 65 और लास्ट में है 76। 65 और 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप इन 7 सेक्शंस को कवर कर लेते हो तो आप अपने आप में कंसिलिएशन के हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लोगे जहां से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 61, 62 और सेक्शन 63, इन तीन सेक्शंस को कवर करेंगे, 61, 62, 63, राइट। चलिए देखो, व्हाट इज कंसिलिएशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडीआर को देखा, जिसमें हमने आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन, इन पांच काइंड्स को जब हमने पढ़ा था तो उसी में से हमने कंसिलिएशन भी पढ़ा था। यानी कंसिलिएशन क्या है? तो कंसिलिएशन बेसिकली एक मोड ऑफ एडीआर है। इट इज अ मोड ऑफ एडीआर। और ये जो आपका एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, अपने आप में दो तरह के मोड्स ऑफ एडीआर के ऊपर है, एक आर्बिट्रेशन और दूसरा कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो पार्ट थ्री है और सेक्शन 61 से लेकर के 81 तक के जितने प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कंसिलिएशन से। तो व्हाट इज कंसिलिएशन? इट इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ एडीआर। प्रोविजंस रिगार्डिंग कंसिलिएशन हैज बीन गिवन अंडर पार्ट थ्री सेक्शन 61 to 81। सेक्शन 61 डील करता है एप्लीकेशन एंड स्कोप से, 62 डील करता है कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से, और सेक्शन 63 डील करता है नंबर ऑफ कंसिलिएटर से। हमारे इस एक्ट में कहीं भी कंसिलिएशन को डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम जानने की कोशिश करें कि कंसिलिएशन क्या है,
दोस्तों कंसिलिएशन बेसिकली एक मेथड है ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स वेयर इन एन इंडिपेंडेंट पर्सन हेल्प्स पार्टीज टू अराइव म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो कंसिलिएशन बेसिकली एक मोड है ADR का, जिसमें पार्टीज एक इंडिपेंडेंट पर्सन का हेल्प लेती हैं, जो उन्हें हेल्प करता है इन म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी वो इंडिपेंडेंट पर्सन उन दोनों ही पार्टीज को हेल्प करता है कि वो अपने डिस्प्यूट्स को म्यूचुअली सेटल्ड कर ले, राइट। आर्बिट्रेशन में हमने ये जाना था कि आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन कंसिलिएटर के डिसीजन को मानने के लिए पार्टीज आर नॉट बाउंड, पार्टीज बाउंड नहीं है। तो कंसिलिएशन में जो इंडिपेंडेंट पर्सन पार्टीज को हेल्प करता है इन रीचिंग amicable settlement of disputes between them, उस independent person को हम कहते हैं conciliator, और जो भी decision वो देगा वो parties के ऊपर binding नहीं है। यानी it is up to the parties कि parties उसके recommendations को माने या ना माने। Why parties are not bound? क्योंकि conciliator कोई decision नहीं देता है, conciliator parties को help करता है, recommendations देता है, एक रास्ता दिखाता है, right? Parties are free to accept or deny the recommendations of conciliator. अब हमने ये जाना कि आर्बिट्रेशन में हम अपने एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा सकते हैं, लेकिन कंसिलिएशन में पार्टीज केवल और केवल अपने एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व करा सकती हैं। तो एक ये भी डिफरेंस है। कंसिलिएशन के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होते हैं, और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स लेस फॉर्मल होता है देन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन लेस फॉर्मल होता है देन ट्रायल, राइट। तो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ कंसिलिएशन। इसमें आप लिखोगे कंसिलिएशन इज बेसिकली अ मोड ऑफ ADR वेयर एन independent person helps the parties in reaching amicable settlement of disputes. Here conciliator does not give any decision but gives recommendations to the parties. Parties are free to accept or deny the recommendations of conciliator. तेज तेज हवा चल रहा है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तेज बोलूँ, ठीक है। तो ये है कंसिलिएशन। अब आप अपने बेरक में इन तीन सेक्शंस को देखोगे, सेक्शन 61, 62 एंड 63। सेक्शन 61 कहता है एप्लीकेशन एंड स्कोप, एप्लीकेशन एंड स्कोप। एप्लीकेशन एंड स्कोप क्या कहता है? कंसिलिएशन शैल अप्लाई टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप
whether contractual or not, and to all proceedings relating thereto. हम conciliation का use तब करेंगे जब जो subject matter है of dispute is settled by conciliation, वो conciliation से settle हो जाए. और arbitration की तरह ही हम conciliation का भी use करते हैं in resolving the dispute arising out of legal relationship between parties, whether contractual or not. फिर चाहे वो legal relationship arise होता हो because of contractual relationship or non-contractual relationship. तो what is the scope of conciliation? यहाँ आप लिखोगे कि conciliation shall apply to all those disputes which arises because of legal relationship between parties, bracket में contractual or non-contractual, and to all proceedings thereto. उन सभी subject matters पर conciliation applicable है जो कि settled हो सकते हैं conciliation के द्वारा. और दूसरा क्या कहता है, this part shall not apply where by virtue of any law for the time being in force certain disputes may not be submitted to conciliation. तो दूसरा पैरा ये कह रहा है कि उस पर्टिकुलर समय में जहाँ जिस समय पर जिस डेट पर डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिटवीन द पार्टीज और दे आर अग्रीड टू सेटल दियर डिस्प्यूट थ्रू कंसीलिएशन, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का वो उस समय किसी पर्टिकुलर लॉ में ये कहा गया है कि दैट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट टू बी सॉल्व थ्रू कंसीलिएशन, तो उस सब्जेक्ट मैटर को कंसीलिएशन के थ्रू या उस डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू पार्टीज सेटल नहीं कराएंगे. यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट में या किसी स्टैट्यूट में ये कहा गया है कि दिस सब्जेक्ट मैटर और दिस डिस्प्यूट इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व थ्रू कंसीलिएशन और पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो उसी नेचर का है तो वो कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कराया जाएगा. राइट, तो ये है एप्लीकेशन एंड स्कोप. दूसरा है सेक्शन 62 क्या कहता है, कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स. कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स किस तरह से कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को कमेंस किया जाएगा, किस तरह से कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाएगा कंसीलिएटर के द्वारा, आइए समझते हैं. क्या कह रहे हैं, पार्टी इनिशिएटिंग कंसीलिएशन शैल सेंड टू अदर पार्टी अ रिटन इनविटेशन टू कंसीलिएट under this part briefly identifying the subject of dispute. तो जो पार्टी अपने डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहती है उस पार्टी को दूसरे पार्टी को रिटन इन्विटेशन देना होगा कि I want this dispute to be resolved through conciliation. और उस written invitation में subject matter of dispute को भी disclose करना होगा. तो this is the first process. क्या है process? कि
जो पार्टी अपने डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहती है, सपोज पार्टी ए चाहती है कि उसका जो डिस्प्यूट है, जो दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उस डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराया जाए, तो पर्सन ए को पर्सन बी को एक रिटन इनविटेशन सेंड करना होगा कि मिस्टर ए वांट्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी टू बी सॉल्व थ्रू कंसीलिएशन, और उस रिटन इनविटेशन में सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट को भी डिस्क्लोज करना होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा क्या है, कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस व्हेन अदर पार्टी, अब लग रहा है एकदम सुबह सुबह होते ही वीडियोस बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत। चलिए दूसरा प्रोसेस क्या है, कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस व्हेन अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इन राइटिंग द इनविटेशन टू कंसीलिएट। अब प्रोसेस वन कंप्लीट, अब प्रोसेस टू, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय अदर पार्टी इन राइटिंग। तो राइटिंग में अदर पार्टी अपना एक्सेप्टेंस देगा कि वो एक्सेप्ट करता है कि इस डिस्प्यूट को वो कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराने में रेडी है। तो देयर मस्ट बी इनविटेशन ऑफ ऑफर फ्रॉम वन पार्टी एंड एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कंसीलिएशन। तीसरा प्रोसेस, इफ द पार्टी rejects the invitation, there will be no conciliation proceedings. और अगर party invitation को reject कर देती है तो dispute conciliation के through resolve नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, point 4 या last procedure क्या कहता है, if the party initiating conciliation does not receive a reply within 30 days from the date on which he sends invitation, तो last process कहता है कि जिस particular date पर एक party ने invitation send किया था दूसरे party को, उस particular date से लेकर के within 30 days 30 दिनों के अंदर अंदर अगर दूसरे पार्टी का रिप्लाई नहीं आता है और विद इन सच अदर पीरियड ऑफ टाइम एज स्पेसिफाइड इन द इनविटेशन, या इनविटेशन ऑफर में जो टाइम डिसाइड किया था, जो टाइम लिमिट ए ने डिसाइड किया था कि इतने दिन के अंदर आपको अपना रिप्लाई दे देना है, whether you want your dispute to be resolved through conciliation or not, तो वो time limit भी बीत चुका है। He may elect to treat this as rejection of invitation to conciliate, and if so elects, he shall inform in writing the other party accordingly। यानी तीसरे प्रोसीजर को अगर हम देखें कि जो दूसरा पार्टी है वो इनविटेशन ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है और 30 दिन बीत चुका है, या इनविटेशन ऑफर में जो टाइम लिमिट ए ने डिसाइड किया था कि बी आपको इतने दिनों के अंदर अपना एक्सेप्टेंस देना है राइटिंग में कि आप इन डिस्प्यूट्स को जो आपके और मेरे बीच है उसे कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, तो अगर आप उस इनविटेशन ऑफर में जो टाइम लिमिट डिसाइडेड है उसके अंदर अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, या जिस दिन इनविटेशन ऑफर सेंड किया गया उस दिन से विद इन 30 डेज
आप रिप्लाई नहीं देते हो इन राइटिंग, तो इसे रिजेक्शन ऑफ इनविटेशन समझा जाएगा। और अगर द पार्टी हु इज गोइंग टू गिव इनविटेशन ऑफर इसे रिजेक्शन कंसीडर करती है, तो फिर से इस पार्टी को रिटन रिप्लाई देना होगा या बी को दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म करना होगा कि उसके पार्ट से इस पार्टी ने, क्योंकि उसका रिप्लाई विद इन टाइम लिमिट नहीं आया तो इसने उसे रिजेक्शन मान लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स। आई होप कि जो सेक्शन 62 है विच टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ लास्ट सेक्शन, सेक्शन 63, जो कि कहता है नंबर ऑफ कंसीलिएटर। नंबर ऑफ कंसीलिएटर, देयर शैल बी वन कंसीलिएटर अनलेस दी There shall be one conciliator unless the parties agree that there shall be two or three conciliators. So, if it is decided between the parties, अगर parties के बीच ये पहले ही decide हो गया है कि कितने conciliators होंगे, then it is good. लेकिन अगर parties के बीच पहले से decided नहीं है how many conciliators will decide their disputes, कितने conciliators उनके disputes को decide करेंगे। If number of conciliators have not been decided by the parties, तो वैसे cases में there shall be one conciliator। अब एक और बात समझो, arbitration में हमने ये जाना कि आर्बिट्रेटर्स जो भी डिसीजन देता है वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है और नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हमेशा ऑड में होगा इन ऑर्डर टू रीच द मेजॉरिटी जजमेंट। तो आर्बिट्रेटर्स का नंबर हमेशा ऑड में होगा, लेकिन कंसीलिएटर्स के केस में ऐसा नहीं है। कंसीलिएटर्स का नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, क्योंकि कंसीलिएटर कोई डिसीजन नहीं देता है। कंसीलिएटर्स पार्टीज को असिस्ट करता है, पार्टीज को हेल्प करता है कि भाई आपसी समझ से म्यूचुअली आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लो। तो कंसीलिएटर केवल उन्हें एक रास्ता दिखाता है। इन केस देयर इज मोर देन वन कंसीलिएटर दे शैल एक्ट जॉइंटली। तो अगर एक से ज़्यादा कंसीलिएटर हैं तो उन सभी कंसीलिएटर्स को एक साथ जॉइंटली एक्ट करना होगा। ठीक, तो ये था कंसीलिएशन और सेक्शन 61, 62 एंड 63। अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इन बचे हुए सेक्शंस को कवर करेंगे और एट लास्ट हम PIL के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे डिटेल में। तो ये चार सेक्शंस और PIL कंप्लीट होने के बाद आपका जो ADR है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए होंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो इस एफर्ट्स को देखते हुए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 64 और सेक्शन 65, इन दो सेक्शंस को
कवर करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कंसीलिएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। हमने सेक्शन 61, 62 और सेक्शन 63, इन तीनों ही सेक्शंस को डिटेल में कवर किया। हमने ये जाना कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 कंसीलिएशन को डिफाइन नहीं करता है। सेक्शन 61 इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ कंसीलिएशन। सेक्शन 62 कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है। और सेक्शन 63 नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स, जिसमें हमने ये जाना कि कंसीलिएटर का जो नंबर है वो पार्टीज डिसाइड करेंगी। और कंसीलिएटर मे बी इन इवन फॉर्म एंड इट मे ऑल्सो बी इन ऑड फॉर्म, यानी कंसीलिएटर में जो कंसीलिएटर्स हैं वो दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, यानी दियर नंबर्स मे बी इन इवन और इन ऑड डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। लेकिन आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसका कॉम्पोजिशन हमेशा ऑड नंबर में ही होगा इन ऑर्डर टू रीच द मेजॉरिटी डिसीजन, राइट। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 64 और सेक्शन 65, इन दो सेक्शंस को कवर करेंगे। तो सेक्शन 64 क्या कहता है, आइए समझते हैं। सेक्शन 64 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स। सेक्शन 63 नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स, और वंस द नंबर हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्टीज, सेक्शन 64 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स के बारे में, राइट। तो क्या कहता है सेक्शन 64, आइए समझते हैं। इन कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स विथ वन कंसीलिएटर पार्टीज मे अग्री ऑन द नेम ऑफ सोल कंसीलिएटर। कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स में अगर एक कंसीलिएटर है तो उस एक कंसीलिएटर के नाम को दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर सकती हैं दोनों पार्टीज कि कौन उनका कंसीलिएटर होगा, राइट। इन कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स विथ टू कंसीलिएटर्स ईच पार्टी मे अपॉइंट वन कंसीलिएटर। इफ देयर इज वन कंसीलिएटर और इफ देयर इज सोल कंसीलिएटर, तो इसका अपॉइंटमेंट दोनों पार्टीज के द्वारा म्यूचुअली होगा। दे विल अग्री ऑन द नेम ऑफ सोल कंसीलिएटर। एंड इन केस ऑफ टू कंसीलिएटर, वन विल अपॉइंटेड बाई वन पार्टी एंड सेकेंड विल बी अपॉइंटेड बाई सेकेंड पार्टी। और क्या कह रहे हैं, इन कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स विथ थ्री कंसीलिएटर्स ईच पार्टी मे अपॉइंट वन कंसीलिएटर एंड द पार्टीज मे अग्री ऑन द नेम ऑफ थर्ड कंसीलिएटर हु शैल एक्ट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और तीन कंसीलिएटर के केस में
एक कंसिलिएटर एक पार्टी अपॉइंट करेगा, दूसरा कंसिलिएटर दूसरा पार्टी अपॉइंट करेगा, और ये दोनों पार्टीज मिल करके तीसरे कंसिलिएटर को म्यूचुअली अपॉइंट करेंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तरह एक्ट करेगा कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में, राइट। तो यही है सेक्शन 64 विच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर। तो सेक्शन 61 स्कोप एंड एप्लीकेशन, सेक्शन 62 कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 63 नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स एंड सेक्शन 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स, राइट। और फोर्थ पॉइंट पार्टीज मे एनलिस्ट द असिस्टेंस ऑफ सुइटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन इन कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स। तो पार्टीज चाहें तो किसी सुइटेबल इंस्टीट्यूशन का हेल्प ले सकती हैं इन अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स, या पार्टीज चाहें तो वो पर्सन जो कंसिलिएटर्स को अपॉइंट करता है या वो पर्सन जो कंसिलिएटर्स के टच में है उसका हेल्प ले सकती हैं इन अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स। एंड इन पर्टिकुलर, और उस सुइटेबल इंस्टीट्यूशन से अगर उन्होंने हेल्प लिया है तो उसको, या अगर उस पर्सन को जो इन कनेक्शन विथ कंसिलिएटर्स है अगर उसको अप्रोच किया है तो उसको क्या करेंगी पार्टीज। फर्स्ट, पार्टी मे रिक्वेस्ट सच एन इंस्टीट्यूशन और पर्सन टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ सुइटेबल इंडिविजुअल्स टू एक्ट एज कंसिलिएटर। तो इफ पार्टीज हैव अप्रोच्ड टू एन इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन से पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगी कि आप हमें एक इंडिपेंडेंट एक इम्पार्शियल कंसिलिएटर हमारे लिए अपॉइंट कर दो हमारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में। इन केस दोज पार्टीज हैव अप्रोच्ड द थर्ड पर्सन, तो उस थर्ड पर्सन से भी पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स। इट मींस पार्टीज हैविंग टू ऑप्शंस अवेलेबल, पार्टीज मे गो फॉर एन इंस्टीट्यूशन फॉर द सर्च ऑफ कंसिलिएटर्स, और पार्टीज मे गो फॉर अ पर्सन हु मे असिस्ट देम इन फाइंडिंग द राइट कंसिलिएटर, राइट। दूसरा क्या है, पार्टीज मे अग्री दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ वन और मोर कंसिलिएटर्स मे बी मेड डायरेक्टली बाय सच एन इंस्टीट्यूशन और पर्सन। पार्टीज ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या उस पर्टिकुलर पर्सन से हम ये कह देंगे कि वी नीड दिस मच नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स, हमें 3 कंसिलिएटर चाहिए या 4 चाहिए कि 2 चाहिए। तो नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स मे ऑल्सो बी रिक्वेस्टेड टू द इंस्टीट्यूशन और टू द पर्सन बाय द पार्टीज डायरेक्टली, राइट। आगे कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन रिकमेंडिंग और अपॉइंटिंग इंडिविजुअल्स टू एक्ट एज सच कंसिलिएटर द इंस्टीट्यूशन और पर्सन शैल हैव द रिगार्ड to such consideration as are likely to secure the appointment of an independent and impartial conciliator. तो वो particular institution या वो particular person जो parties को help कर रहे हैं conciliators को appoint कराने में, उस institution को या उस person को while recommending the conciliators ये इंश्योर करना है कि जो कंसिलिएटर हो वो इंडिपेंडेंट हो इम्पार्शियल हो, एंड विथ रिस्पेक्ट
टू सोल और थर्ड कंसीलिएटर एंड विथ रिस्पेक्ट टू सोल और थर्ड कंसीलिएटर शैल टेक इनटू अकाउंट द एडवाइजेबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग अ कंसीलिएटर ऑफ नेशनैलिटी अदर दैन नेशनैलिटीज ऑफ पार्टीज। तो अगर एक कंसीलिएटर है जिसे इंस्टीट्यूशन ने या पर्सन ने रिकमेंड किया है, तो उस इंस्टीट्यूशन को, उस पर्सन को ये एफर्ट करना है कि वो जो कंसीलिएटर हो वो पार्टीज के नेशनैलिटी का ना हो, अदर देन द नेशन वेयर पार्टी रिसाइड्स। तो अगर एक कंसीलिएटर है या तीन कंसीलिएटर्स हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन को या उस पर्सन को ये इंश्योर करना है कि वो दूसरे नेशंस के हों। इन केस ऑफ थ्री कंसीलिएटर, अगर तीन कंसीलिएटर्स हैं, सपोज करो इंस्टीट्यूशन ने या पर्सन ने रिकमेंड किया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज थ्री कंसीलिएटर्स, तो उस इंस्टीट्यूशन को या उस पर्सन को ये इंश्योर करना है कि जो तीसरा कंसीलिएटर हो वो दूसरे नेशन का हो। इन केस पार्टीज हैव अग्रीड फॉर द सोल अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर एंड दे अप्रोच द इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन को ये एफर्ट करना है कि ये जो सोल कंसीलिएटर है वो दूसरे नेशन का हो। राइट, तो यही कह रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन कंसीलिएटर्स के इम्पार्शियल होने का ज्यादा चांस होगा। राइट, सेक्शन 65, तो ये था सेक्शन 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स, जिसे हमने डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 65। सेक्शन 65, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसीलिएटर। नाउ नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स हैव बीन डिसाइडेड, appointment of conciliators have been done. Now the next step is how to start the conciliation proceedings. अब हमें conciliation proceedings को start करना है। तो conciliation proceedings को start करने के लिए what are the documents which are required to be submitted before the conciliators? तो सेक्शन 65 कहता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स बिफोर कंसीलिएटर्स। पहला पॉइंट, कंसीलिएटर अपॉन हिज अपॉइंटमेंट मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट टू हिमसेल्फ अ ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट एंड points at issues. Each party shall send a copy of such statement to other party. Conciliator अपने appointment के बाद parties को request करेगा, दोनों ही parties को request करेगा कि आप मुझे एक brief written statement दे दो जिसमें आप अपने general disputes को disclose कर दो और क्या क्या पॉइंट्स हैं विच आर इन इशू जिस पे आप रिजोल्यूशन चाहते हो, जिसे आप रिजॉल्व कराना चाहते हो, उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर दो। और
जब दोनों पार्टीज रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट कंसिलिएटर को सबमिट कर देंगी तो एक एक कॉपी दोनों पार्टीज को दे दिया जाएगा कंसिलिएटर के द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई डिस्प्यूट रह तो नहीं गया है या कहीं कोई डिस्प्यूट छूट तो नहीं गया है, पार्टीज आपस में इंश्योर कर लें, राइट। तो ये है, तो सबसे पहले दोनों पार्टीज को रिटन स्टेटमेंट देना है, उसमें डिस्प्यूट को डिस्क्लोज करना है और जो भी पॉइंट्स हैं जो इशू में बने हुए हैं जिन पर दोनों पार्टीज सोल्यूशन चाहती हैं उसे डिस्क्राइब कर देंगी और सबमिट करेंगी बिफोर द कंसिलिएटर। उन रिटन स्टेटमेंट्स का एक एक कॉपी दोनों पार्टीज को दे दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप, कंसिलिएटर मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट टू हिम अ फर्दर रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज पोजीशन एंड द फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स इन सपोर्ट देयर ऑफ सप्लीमेंटेड बाय एनी डॉक्यूमेंट एंड अदर एविडेंस दैट सच पार्टी डीम्स अप्रोप्रिएट। पार्टी शैल सेंड कॉपी ऑफ सच स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एविडेंस टू अदर पार्टी। अब कह रहा है कंसिलिएटर मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी, कंसिलिएटर दोनों पार्टीज को रिक्वेस्ट करेगा टू सबमिट टू हिम अ फर्दर रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज पोजिशन, कि वो एक रिटन स्टेटमेंट में ये डिक्लेयर करें कि उन्होंने मुझे कंसिलिएटर के तौर पर अपॉइंट किया है और जो भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट उन्हें भी वो सबमिट कर दे बिफोर द कंसिलिएटर और दोनों ही पार्टीज को एक एक कॉपी मिल जाएगा उस स्टेटमेंट का, राइट। तीसरा, एट एनी स्टेज ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स The conciliator may request a party to submit to him such additional information as he deems appropriate. तो conciliation proceeding के किसी भी स्टेज पर conciliator parties को request कर सकता है कि there is need of some additional informations. So you have to submit these informations or you have to submit these documents. Because these documents are crucial for the commencement of conciliation proceedings. तो conciliator किसी भी stage of conciliation proceedings में parties को request कर सकती है to submit additional information. Right? तो ये था section 65 और section 64, इन दो sections को आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में कवर किया। अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हो, समझते हो तो आप अपने आप नोट्स बना सकते हो, राइट। और हमेशा से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में, इतना सिंपल वे में समझाऊं कि आपको फर्दर वीडियोस या कोई कोचिंग ज्वाइन ना करना पड़े। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब जाने से पहले हम कल डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कंसिलिएटर और कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज, सेक्शन 69, और एक और सेक्शन है विच इज टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। तो इन तीन सेक्शंस को हम कवर करेंगे, सेक्शन 67, 69 एंड सेक्शन 76। इन तीन सेक्शंस को कवर करते ही हमारा कंसिलिएशन ख़त्म हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे PIL के बारे में, राइट, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑन ADR। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आर्बिट्रेशन
एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 67 विच टॉक्स अबाउट रोल ऑफ कंसिलिएटर इस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने कंसिलिएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जाना, हमने सेक्शन 61, 62, 63, 64 और सेक्शन 65, इन सभी सेक्शंस को डिटेल में कवर किया। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 67 जो कि रोल ऑफ कंसिलिएटर के बारे में बात करता है कि द कंसिलिएटर हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय इंस्टीट्यूशन और पार्टीज, तो उसे क्या परफॉर्म करना है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस व्हिच दैट पर्टिकुलर कंसिलिएटर हैव टू परफॉर्म। तो सेक्शन 67 डील्स विद रोल ऑफ कंसिलिएटर, राइट। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 67। पहला पॉइंट, द कंसिलिएटर शैल असिस्ट द पार्टीज इन एन इंडिपेंडेंट एंड impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of their disputes। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब हमने सेक्शन 64 को पढ़ा विच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स, तो हमने ये जाना कि जिस भी इंस्टीट्यूशन को या जिस भी पर्सन को पार्टीज अप्रोच करेंगी फॉर द कंसिलिएटर्स, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या उस पर्टिकुलर पर्सन को ये इंश्योर करना है कि जो कंसिलिएटर हो वो इम्पार्शियल हो, वो इंडिपेंडेंट हो और वो जो भी डिसीजन दे, जो भी सेटलमेंट कराए, वो किसी अदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के ना करे, राइट। तो सेक्शन 67 जो कि रोल ऑफ कंसिलिएटर के बारे में बात करता है, तो सबसे पहला रोल कंसिलिएटर का यही है कि वो पार्टीज को असिस्ट करे इन एन इंडिपेंडेंट एंड इन एन impartial manner और एक amicable settlement of disputes, इस तरह से उनके disputes को settle कराए amicably, मतलब एक ऐसा रास्ता जो दोनों के interest को ध्यान में रखते हुए हो, right। दूसरा क्या है, conciliator shall be guided by principles of objectivity, fairness and justice। Giving consideration to, among other things, the rights and obligations of parties, the usage of trade concerned and circumstances surrounding the disputes, including any previous business practices between parties। तो जो conciliator है, he must follow the guided principles of objectivity, fairness होना चाहिए conciliation proceedings में, justice का concept होना चाहिए जो दोनों parties के interest में हो, giving consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, और conciliator को parties के भी क्या rights हैं, क्या obligations हैं, उन्हें भी conciliator disclose करे, उन्हें भी बताए, right।
द यूसेज ऑफ ट्रेड कंसर्न एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग एनी प्रीवियस बिजनेस प्रैक्टिसेस बिटवीन पार्टीज. तो सिंपल कंसिलिएटर को वॉइल इनिशिएटिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स ये इंश्योर करना है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स मस्ट बी ऑफ फेयर इन नेचर, मस्ट इंश्योर द जस्टिस बिटवीन टू पार्टीज, राइट. और कंसिलिएटर को पार्टीज के भी क्या राइट्स बनते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें भी टाइम टू टाइम पार्टी से कम्युनिकेट करना है. तीसरा क्या है, कंसिलिएटर मे कंडक्ट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इन सच अ मैनर एज ही कंसिडर्स एप्रोप्रिएट टेकिंग इनटू अकाउंट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस. तो कंसिलिएटर को हमेशा ये इंश्योर करना है अपने तरफ से कि जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हों वो अपने आप में अप्रोप्रिएट हो, अपने आप में राइट हो, राइट. टेकिंग इनटू अकाउंट द सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस विच पार्टी मे एक्सप्रेस इंक्लूडिंग एनी रिक्वेस्ट बाय पार्टी दैट कंसिलिएटर हियर ओरल स्टेटमेंट्स एंड द नीड फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. तो कंसिलिएटर को डिस्प्यूट्स के सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना है और एक अप्रोप्रिएट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना है जो फेयरनेस, जो जस्टिस पर डिपेंड हो, जो दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट में हो, राइट. और अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के तो उन रिक्वेस्ट को भी वो सुने और जो डिस्प्यूट है उसे जल्दी से जल्दी सेटल कराने का कोशिश करे कंसिलिएटर. और लास्ट है, कंसिलिएटर मे एट एनी स्टेज ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स मेक प्रपोजल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. Such proposals need not be in writing and need not be accompanied by statements of reasons thereof. तो conciliator को हमेशा ये effort करना है कि conciliator parties को help करे कि उनका जो dispute है वो जल्दी से जल्दी resolve हो जाए. conciliator को timely parties को ये प्रपोजल देना है कि आप अपने डिस्प्यूट को इस तरह से जल्दी से, दिस इज द एप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व योर डिस्प्यूट, और अगर आप इस रास्ते को अपनाते हो तो ये आप दोनों के इंटरेस्ट के फेवर में है, ये एप्रोप्रिएट डिसीजन होगा, ये बेस्ट सोल्यूशन होगा. और ये जो प्रपोजल वो देगा इट नीड नॉट बी इन राइटिंग, कि ये जो प्रपोजल हो वो राइटिंग में ही हो कंसिलिएटर के द्वारा. तो दीज आर सम मेजर रोल्स विच कंसिलिएटर हैव टू प्ले वॉइल कंडक्टिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स और वॉइल एंटरटेनिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज, राइट. अब सेक्शन 69 कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज. द कंसिलिएटर मे इनवाइट द पार्टीज टू मीट हिम और ही मे कम्युनिकेट देम ओरली और इन राइटिंग. तो हाउ कैन अ कम्युनिकेशन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज,
किस तरह से एक कंसीलिएटर और दो पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है। What is the procedure? That procedure have been mentioned under section 69. और section 69 कहता है कि जो conciliator है वो parties को invitation दे सकता है कि आप आइए और मुझसे इस particular date पर, इस particular place पर मिल लीजिए। या ये कंसिलिएटर पार्टी से इन राइटिंग या ओरली भी कम्युनिकेट कर सकता है। ही मे मीट और कम्युनिकेट विथ पार्टीज टुगेदर और विथ ईच ऑफ देम सेपरेटली। तो ये कंसिलिएटर अगर चाहे तो दोनों पार्टी से एक साथ मिल सकता है या दोनों पार्टी से सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर भी मिल सकता है। तो एक ये है कि ये इनविटेशन दे सकता है कि इफ पार्टीज अग्री दे मे मीट टू द कंसिलिएटर, या इस पर्टिकुलर इनविटेशन को कंसिलिएटर ये प्रपोज कर सकता है कि दोनों कंसिलिएटर इस पर्टिकुलर डेट पर मुझसे मिल लो, या पार्टीज चाहे तो सेपरेटली कंसिलिएटर से मिल सकती हैं। दूसरा, unless the parties have agreed on the place where meetings with conciliator are to be held, such place should be determined by conciliator. तो अगर जो place of meeting होगा उस place of meeting को parties ने decide नहीं किया है that where they will meet the conciliator. In case parties have not decided the place of meeting with conciliator, तो जो place of meeting होगा it shall be decided by this conciliator, इस conciliator के द्वारा decide किया जाएगा। After consultation with parties, parties से consult करके, having regard to circumstances of conciliation proceedings, तो दैट प्लेस ऑफ मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाई कंसिलिएटर विथ कंसल्टेशन ऑफ पार्टीज, राइट। तो ये था छोटा सा सेक्शन कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज, राइट। तो एक बार आपको रिविजन करा देता हूँ। देखो सेक्शन 61, क्या कंसिलिएशन हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में कहीं डिफाइंड है? नो। सेक्शन 61 कंसिलिएशन के एप्लीकेशन एंड स्कोप से डील करता है, एप्लीकेशन एंड स्कोप से डील करता है। लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेक्शन 62 डील करता है कमेंसमेंट ऑफ conciliation proceedings, commencement of conciliation proceedings. Section 63 deal करता है number of conciliators. Now once the number have been decided, तो हमने पढ़ा था कि section 64 क्या कहता है, appointment of conciliator, appointment of conciliators. 65, once the appointment have been done, what are the statements which are to be submitted before conciliator? तो ये कहता है submission of statements to conciliator. 67, role of conciliator. 69, communication between conciliator and parties. So section 61, application and scope. 62, commencement of conciliation proceedings. 63,
नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स 64, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स 65, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर्स 67, रोल ऑफ कंसिलिएटर्स और 69, कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर्स एंड पार्टीज। एक और सेक्शन रह गया है विच इज सेक्शन 76, जो कि डील करता है टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 76 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने कंसिलिएशन के सभी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, जैसे सेक्शन 67 रोल ऑफ कंसिलिएटर, 69 कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज, 65 सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर, 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स और 61, 62, 63, इन सभी सेक्शंस को कवर कर लिया है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप उन सेक्शंस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। हमने कंसिलिएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बड़े ही डिटेल्ड और इजी वे में समझा है। आज के इस वीडियो में हम कंसिलिएशन के लास्ट सेक्शन विच इज टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स सेक्शन 76, इससे डील करेंगे। राइट, तो एक छोटा सा सेक्शन है और क्योंकि बोर्ड अभी पेंट हुआ है तो ज़्यादा लिखना नहीं है, एक दो दिन लगेगा सूखने में, फिर हम बोर्ड का यूज़ करने लगेंगे। चलिए, सेक्शन 76 विच टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसिस में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो कहता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स शैल बी टर्मिनेटेड, पॉइंट वन, बाय साइनिंग द सेटलमेंट अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो अगर पार्टीज खुद अपने डिस्प्यूट्स को आपसी सूझबूझ से सेटल कर लेते हैं तो देर इज नो नीड टू स्टार्ट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, या अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स ऑन द वे है, इट इज इन प्रोसेस, और ड्यूरिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अगर पार्टीज अग्री होते हैं टू सेटल दियर डिस्प्यूट्स म्यूचुअली बाय देमसेल्व्स, तो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द कंसिलिएटर आफ्टर कंसल्टेशन विथ पार्टी टू द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट्स एट कंसिलिएशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। दूसरा, अगर कंसिलिएटर खुद रिटन में ये कह दे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना अब किसी भी मैनर में जस्टिफिएबल नहीं है, इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कमेंस द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फर्दर, तो वैसे केसेस में भी अब क्योंकि कंसिलिएटर ने रिटन में ये दे दिया है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को अब आगे बढ़ाना किसी भी मैनर में जस्टिफिएबल नहीं है, तो क्योंकि कंसिलिएटर ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है तो इस बेसिस पर भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। पहला क्या है, पार्टीज खुद अपने आप में उस डिस्प्यूट को सेटल कर लें, देन देयर इज नो नीड टू गो फॉर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। दूसरा, कंसिलिएटर रिटन में पार्टीज को ये कह दे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को
अब कंटिन्यू करना किसी भी मैनर में जस्टिफिएबल नहीं है, तो एक ये बेसिस है। तीसरा, बाय अ रिटन डिक्लेरेशन बाय द पार्टीज एड्रेस्ड टू द कंसिलिएटर टू द इफेक्ट दैट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर पार्टीज खुद रिटन डिक्लेरेशन देती हैं कि वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करना चाहती हैं, तो उस कंडीशन में भी। और लास्ट कहता है, बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ पार्टी टू द अदर पार्टी एंड कंसिलिएटर इफ अपॉइंटेड टू द इफेक्ट दैट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। या एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिटन डिक्लेरेशन दे और कंसिलिएटर को भी रिटन डिक्लेरेशन दिया जाए कि पार्टीज चाहती हैं कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को, या एक पार्टी चाहती है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट किया जाए, और उस पार्टी ने दूसरे पार्टी से इस बारे में कम्युनिकेट कर लिया है। तो दीज आर फोर ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स मे बी टर्मिनेटेड। तो ये था सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस कंसिलिएशन से जुड़ा हुआ। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं सेक्शंस में से आएंगे, और हमने कंसिलिएशन के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लिया है। अब एक टॉपिक और रह जाता है, विच इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट? तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।